हेलो एंड वेलकम टू कोरल डॉट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। दोस्तों आज की क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम फ्लायर डिज़ाइन करेंगे किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल की, सपोज मोबाइल के लिए, किसी मोबाइल शॉप के लिए फ्लायर डिज़ाइन करेंगे, फ्लायर डिज़ाइन का तरीका सीखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने के लिए गूगल पर सर्च करें आप CDTFB कोरल डॉट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स, फिर हमारा चैनल इस तरह आ जाएगा आपके सामने। यहाँ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा हमारा चैनल, साथ ही यहाँ एक बेल आइकन दिखाएगा, उस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन हमारी आपको सबसे पहले मिल सकें नए वीडियो की। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम सीखेंगे फ्लायर डिज़ाइन करना। फ्लायर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम एक तो साइज़ लगाएंगे फ्लायर का, क्या लगाना चाहते हैं हम। सपोज हम 8x10 inches का लगाएंगे, इंचेस में हम काम करेंगे, 8 inches विद 10 inches हाइट, और पी से हम पेपर को सेंटर कर लेंगे पेज को। ये हमारा फ्लायर का साइज रहेगा। अब इसके लिए कुछ मैंने इमेजेस डाउनलोड किए हैं, ये सपोज एक बैकग्राउंड रिमूव है इनका सबका, ये इमेजेस हैं अलग अलग मोबाइल्स की, ये लोगो हैं कुछ, तो हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये निकाल लेता हूँ मैं आउटसाइड इस तरह, लोगो भी बाहर रख लेते हैं जो हमें यूज़ करने हैं। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम एक कुछ ड्रॉ करते हैं इसमें डिज़ाइन। डिज़ाइन के लिए हम यहाँ कुछ आउटलाइन कट करते हैं। चलिए बेजियर टूल से स्नैपिंग ऑन करेंगे। दोस्तों कुछ लोगों को, ज़्यादातर तो सभी जानते हैं स्नैपिंग का, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम है, तो मैं बताना चाहूँगा स्नैपिंग का यूज़ क्या होता है। स्नैपिंग जब हम ऑन करते हैं, स्नैपिंग सपोज हमने ऑब्जेक्ट से ऑन कर दी, तो अब हम कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या कुछ इस एज से मिलाकर करना चाहते हैं। देखिए एक स्पेशल इसकी एज की नोट दिखा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक एक फील्ड एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ हम क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली इस बिल्कुल लाइन से मिलता हुआ क्लिक होगा इस तरह। देखिए ये मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट से हमारा लेगा जो शेप है हमारी ऑब्जेक्ट से। इसी तरह गाइडलाइन का ऑप्शन है, अगर हमारी गाइडलाइन होगी डॉक्यूमेंट में, देखिए हम इसको बंद कर देंगे, यहाँ हमारी गाइडलाइन नहीं है तो अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देखिए यहाँ नोड नहीं दिखा रहा है एक एज। अब हम एक गाइडलाइन इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ आप दिखाएगा ये, क्योंकि हमारी ये देखिए गाइडलाइन की ये ऑन है, ये देखिए गाइडलाइन पर दिखा रहा है और ऑब्जेक्ट पर नहीं दिखा रहा। अब हम इसको दोनों पर ऑन कर देंगे तो ऑब्जेक्ट पर भी दिखाएगा ये देखिए ऑब्जेक्ट की एज पर और गाइडलाइन पर भी, तो हमें गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। तो हम एक आउट बेजियर टूल से एक शेप क्रिएट करेंगे इस तरह, कुछ कुछ इस तरह क्रिएट कर लेंगे। चलिए हम फिर से आज ब्लेंड टूल का भी यूज़ करेंगे इसी डिज़ाइन में, और आपको दिखाएंगे कि ब्लेंड टूल से क्या कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हम एक शेप बनाया हमने, उसकी एक कॉपी और लेंगे इसकी डुप्लीकेट, और यहाँ पर हम डार्क कलर कर देंगे। देखिए दोनों का मैंने अलग अलग परसेंटेज रखी है, इन दोनों की थिकनेस इस लाइन की और इस लाइन की F12 से हम 1 point की कर देंगे, और स्केल विद इमेज रखेंगे हमेशा, याद रखिए, ताकि इसको हमें स्केलिंग करनी पड़े, छोटी स्केल विद ऑब्जेक्ट तो ये परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी। अब हम ब्लेंड टूल का यूज़ करेंगे और इन दोनों के बीच में एक ब्लेंड क्रिएट करेंगे। देखिए इस तरह ये एक ब्लेंड क्रिएट कर हो गया। यहाँ हम इसको 100 कर देंगे ताकि ये हमें स्मूथ चाहिए थोड़ा सा। अब हम इसमें कुछ वेरिएशन चाहते हैं, फ्लैट फ्लैट लग रहा है कुछ इसमें, तो हम शेप टूल का यूज़ करेंगे। अब नीचे वाली आउटलाइन को, शेप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हम इसको इस एज से मिलाएंगे, देखेंगे क्या हमारा कहाँ अच्छा बनता है, वहाँ आकर हम इसको करेंगे। देखिए अच्छा लग रहा है, यहाँ इसके नोट पर एक एजेस क्रिएट होने लगेंगी। कलर चेंज कर लेते हैं आउटलाइन का देखने के लिए, ताकि हम समझ पाएँ कि क्या उसमें डिफरेंस आ रहा है। इस तरह चाहें तो हम और नोट क्रिएट कर सकते हैं नीचे वाली में, इस तरह कुछ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट।
इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट कर देंगे। ये ठीक है, हम इसका कलर थोड़ा सा डार्क रखना चाहते हैं, ऐसे रखेंगे। हाँ ये ठीक है, हम इसको एज से मिला लेंगे यहाँ टॉप से। हाँ ये ठीक है। अब यहाँ हम थोड़ा सा इसको और डेप्थ इसकी कम करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। सही है। अब हम यहाँ कुछ कंपनी के नाम के लिए डमी लिख देते हैं। और एडवर्डिंग फॉन्ट लगा देते हैं। कुछ इस तरह। इसको हम इस कलर में भी दे सकते हैं। और इसकी हल्की सी कॉपी लेंगे एक। कंट्रोल से वन स्टेप बिहाइंड करेंगे और इसको ब्लैक कर लेंगे। और हल्का सा इसको मूव कर इस तरह की शेडिंग बना सकते हैं। देखिए सही है। अब हम यहाँ एक इमेज का यूज करेंगे। साइज अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। प्लेसमेंट जो मुझे अच्छी लग रही है, मुझे आइडिया जैसा आ रहा है उस हिसाब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब हम यहाँ कुछ कंपनी से रिलेटेड टेक्स्ट लिखेंगे। सपोज एक हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले। इसको कॉपी कर लेते हैं एक। इसका फॉन्ट हेलवेटिका का ब्लैक कर देते हैं। चलिए साइज इसका 24 कर देते हैं। इसको हम ग्रीन रखेंगे हेडिंग का कलर। यहाँ कुछ हम टेक्स्ट और लिख लेंगे। इस तरह करेंगे। फिर यहाँ नीचे बॉटम में एक शेप क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल। और इसको कुछ कर्व कर लेंगे। शेप टूल लेंगे या ये नोट डिलीट कर देंगे। एक यहाँ एक नोट ले लेंगे। देखेंगे जो भी हमारी अच्छी प्लेसमेंट बनेगी। हाँ ये ठीक है। इसकी एक कॉपी और लेंगे प्लस को। प्लस कीबोर्ड से क्लिक करके शेप टूल लेंगे। दोनों नोट सेलेक्ट करेंगे टॉप साइड की। और ये इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्मार्ट फिट टूल यूज करके ये एक ड्रॉ कर लेंगे। दोस्तों ये ब्रेक इसलिए हो रही है क्योंकि ये इमेज हमारी, देखिए वायर फ्रेम कर देखेंगे तो समझेंगे आप, ये इमेज ओवरलैप हो रही है हमारी। तो हम इसको इमेज को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे। कट। अब यहाँ स्मार्ट फिल टूल से ये फिल करेंगे। अब वापस पेस्ट कर देंगे इमेज। ये देखिए इसको पेज अप कर लेंगे। और ये जो हमने एक्स्ट्रा वाला बॉक्स है उसको डिलीट कर देंगे। देखिए इस मजेंटा वाली लाइन को हम ग्रे कर देंगे हल्का सा। इस तरह थोड़ा सा गैप देकर तो यहाँ बॉटम में हम ये टॉप वाला कलर यूज करेंगे। इस तरह से यहाँ से आई ड्रॉपर से हम पिक कर लेंगे कोई अच्छा कलर। यहाँ पे देखिए ये वाला यूज कर सकते हैं हम, ये अच्छा है कलर। यहाँ पर कुछ हम फिर से टेक्स्ट लिख लेंगे कंपनी का, जो भी हमारा थोड़ा बहुत कंटेंट होगा।
तरह यहाँ लाइन स्पेसिंग हम शेप टूल लेकर इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी ओपन कर लेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे फॉन्ट को, एरियल बोल्ड वाइट इस तरह। यहाँ इन पर एक छोटी छोटी बुलेट मैनुअली लगा देंगे क्योंकि हमें इनको दूसरे कलर की यूज करना है इस तरह। देखिए ये हो गया, इसको ग्रुप कर लेंगे एक साथ, ग्रुप ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक हेडिंग आ जाएगी कोई, येलो कलर में गोल्डन येलो दे देंगे इसको। इस तरह। और यहाँ ये मोबाइल एक्सेसरी की एक इमेज है, इसको यूज करेंगे। यहाँ छोटा करके या बड़ा करके इस पर ओवर होती हुई यूज कर लेंगे थोड़ी। यहाँ पर इस ग्रे एलिमेंट को थोड़ा सा काट देंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको रेक्टेंगल लेंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ इमेज के जहाँ भी आ रहा है इमेज के साइज का करके, फिर इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे इससे। ये देखिए दोनों साइड से मार्जिन दिखाई देने लग जाएगा। अब यहाँ हमने कुछ लोगो लिए हुए हैं तो बॉटम में एक बार बना देंगे इसकी इस तरह। इसको व्हाइट कलर में हम देंगे। हम यहाँ एक इफेक्ट और छोटा सा बना सकते हैं। देखिए हम ये बेजियर टूल लेंगे, इस एज से कलर को फिल करेंगे, थोड़ा सा लाइटर टोन ले लेंगे। देखिए कंट्रोल पेज अप कर लेंगे, स्टोन को डबल क्लिक कर थोड़ा सा लाइट कर देंगे इससे, तो एक इफेक्ट अच्छा बन जाएगा ये इस तरह कुछ। इसका ड्रॉप शेडो डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा ये। देखिए इस तरह ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो का कलर भी यही वाला डार्क कलर लेंगे हम, इसको डार्क कर लेंगे इस तरह। देखिए सिंपल और एलिगेंट हो जाएगा थोड़ा सा इफेक्ट। अब ये सभी लोगों हम इसमें प्लेस कर देंगे छोटे साइज में करके। यहाँ ऑर्डर वाइज जो भी जैसे हम अरेंज करना चाहें इसको। बीच बीच में कलर का यूज कर लेंगे, कलर लोगो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। क्लोज कर लेंगे इनकी, अगर जगह हमारे पास थोड़ी कम पड़ रही है तो। देखिए सभी लोग आ जाएंगे, इनको सबको एक साथ सिलेक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ये एक बार खुल जाएगी डिस्प्लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे स्पेसिंग। देखिए इन सबको ग्रुप कर लेंगे एक साथ और यहाँ इसको वाइट से सेंटर कर लेंगे। अब ये ऐसे ही चल जाएगा आपका, और अगर आप चाहें इसमें तो एक वर्टिकल टू पॉइंट की लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लाइट ग्रे कलर की दे देंगे। देखिए इस तरह इन सभी को सेपरेट करने के लिए ये एक लाइन ऐड कर सकते हैं।
अगर आप चाहें इनका कलर चेंज करना, लाइन का हमने जो येलो यूज़ किया है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनको एक एक करके सबको सिलेक्ट कर लेंगे, लाइंस को, वर्टिकल जो हमने बनाई है। देखिए ये वाला कलर कर देंगे, ग्रे ज़्यादा अच्छा है, ग्रे ही यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह, और इसकी आउटलाइन को हम नन कर देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये इस तरह हमारा एक फ्लायर जल्दी से मोबाइल के कम्युनिकेशन वगैरह के रिलेटेड बिजनेस से तैयार हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, और आपको देखने के लिए आपके जो जो आपको चाहिए कुछ नया आइडियाज़ तो आप बता सकते हैं। इस डिज़ाइन का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नाम चेंज करके, इमेजेस तो चल ही जाएंगी, टेक्स्ट अपना ऐड करके प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, साइज़ अपना एडजस्ट करके। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे फिर नई क्लास में मिलेंगे अगली। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोरल डॉट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर। थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।